आखूंगा कि बिरध आश्रम जिवें कहिंदे ने नहीं होने चाहिए, मैं कहना होने चाहिए ने। क्यों कि एक ऐसा अवस्था आती है जीवन के बंदे की कि वह घर के समाज के रिश्तेदार सज्जन मित्र कटिया हो जो घरों बाहर कढ़िया जाता हो तो वास्ते एक रस्ता होंगे सुसाइड। सुसाइड के वास्ते एक चीज़ है कि उसनों कुछ समा ठहराया जा सके, उसके माइंड के कढ़िया जाए कि चीज़ ठीक नहीं है। इस करके तो जोड़े है आश्रम वो बिल्कुल सही है कि इतने कि कोई गल नहीं घर उन्होंने माँ बाप ना पुतों मिल के आपों काउंसलिंग करा के उन्होंने घर भी वापस कर दे, इस वास्ते तो सही है। तो जी यही है कि इतने उन्हें आपका माइंड ही नहीं बदलना, जो कुछ घर ईगो लैके फिर ईगो लैके बजुर्ग अगर आश्रम के फिर, इस करके मैं कहना यह जे बंद वास्ते आश्रम कमी तो यो ही है कि जो बजुर्ग आदमी हो आपकी 70 साल की सोच न अज की जनरेशन के उत्ते ठोंसना चाहते हैं कि जो असी कहने वो सही है, लेकिन जो अज की जनरेशन हैगी है वो एक इन्नी फास्ट है, इन्नी एजुकेटड है, इन्नी वो उस पास चल रही है इलैक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए दे नाल कि वो उन्होंने गल उन्होंने चंगी नहीं लगती है ना उन्होंने नाल मैचिंग करती है, वो इसे करके जोड़ा वो डिस्टेंस जोड़ा पैदा हो जाता है। उदू बाद फिर वाधा 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 की हों दुखी होकर जो घरों आप आ जाता तो ज बच्चे कड़ देंगे तो आश्रम फिर इस करके तो आश्रम जो 1978 और 22 का डिफरेंस तो वृद्ध आश्रम बारे मेरे नाल साझा किया है। उसके वास्ते मैं एक ही गल कह सकता हाँ कि 1978 के दैनिक प्रार्थना सभा के संचालक महाशाह गोकुल चंद जी ने उस मौके की नज़ाकत समझदे हो एक रैन बसेरा जोड़ा है बाकी प्रोजेक्टा के नाल ना करैन बसेरा वृद्ध आश्रम के नाँ का जोड़ा है वह शुरू किया जिसका नाँ नानक चंद अबरोल वृद्ध आश्रम रखा गया। और उत्थे वो लोग सन जिन्हों का कोई सहारा नहीं सी या कहीं रहन वास्ते नहीं सी या कोई प्रबंध नहीं सी उन्हां दा जो है उसका प्रबंध करके उन्होंने ये किया। बदलदियां परिस्थितियां बदलता समाज बदलता होया समा इनू मुख रखदा होया शायद समाज ने यह समझिया कि ये कि चीज़ है कि जी असी ज़्यादा वाले पासे चल पीए और घर भी वक् वक् तरह डिस्टर्बेंस जड़िया ने वो पैदा हुई उत्थे बड़िया बड़िया मुसीबत पैदा हुई लड़ाइया झगड़े पैदा होए उन्होंने मुख रखद्या हो समाज ने यह समझिया मेरे मेहरबाना ने यह समझिया कि वृद्ध आश्रम का बनाना जरा वाजिब है। कारण कि यह वृद्ध आश्रम जरा शब्द ये ओल्ड इज जरा होम है ये साडा नहीं है ये पाश्चात्य बाहर के देशों का ये असी उतों लैके आए हैं या उन्होंने सूँ भेजे जिते बाकी चीज़ा इनिया भेजिया उत्थे ये भी चीज़ एक आ गई उन्होंने शायद ये है कि वह लोग अपना टैक्स बहुत देंगे हैं अपने दे रहे ने और उस टैक्स के उन्होंने अपना जो बुढ़ापा सिक्योर करने वास्ते उन्होंने रखा और उन्होंने जिदा एक 5-स्टार होटल है इदा के उन्होंने प्रबंध है। पर जितों तक मैं अपने शायद कोई एक दो योजा होगा जिद सहूलत हो नहीं तो असी सारे समाज ना जुड़े हैं समाज का तिल फुल दान लैके उन्हां दी कोऑपरेशन दे नाल ये जिहड़े वृद्ध आश्रम जिहड़े चलाए जाते हैं। अज की जनरेशन दे विच इस करके आ कि शायद जनरेशन असी समझा नहीं पाए ये कसूर साडा भी है असी जनरेशन तक अपना विचार दे नहीं पाए उन्होंने सिक्ख्यत नहीं कर पाए उन्होंने समझा नहीं पाए ये तरह अज की जनरेशन तो अपने पापे का नहीं नाँ का नहीं पता वह की है ना डैडी है बस डैडी कहे या पापा कहे ये मॉम कहे उन्होंने नाँ का नहीं पता दादा दादी का कहते कि बच्चे को पूछ लो उन्होंने कहना सिर्फ दादे का नाँ का नहीं पता है असी वो उस पास चले ही नहीं कि साडा एक संयुक्त परिवार भी कहीं हों और भी साढ़े एक अंग का असी बरसी तो मनाने हर साल उन्होंने नाँ के नाँ का वो दिन तो मनाने सब कुछ करते हैं रिश्तेदार भैन भरा सज्जन मित्र सद रहे हैं और बहुत सारे पकवान बनाने उन्होंने सेवा करने पर जोड़ा मर्ग का हों शायद वो पानी का घुट भी वक्त सिराह नसीब नहीं उन्होंने कर पाए साढ़े को समा नहीं अही अपने बुढ़े माँ बाप का कुछ जाके वेख सकी लुख लुथरा साहब अज ये शायद सोच लिया कि मैं अपने बाप को जी खाण पीन की सुविधा दे रहा मैं अपने माँ को कुछ दे रहा पर किन्ने क नौजवान ने जेड़े अपने माँ को बाप को रात को बहते ने सुख दुख पुछते ने वो बहुत सुखी होने के बावजूद भी दुखी होंगे जे
जिन्हों का समाज कोई नहीं उन्हों का तो हक ही बनता बेचारे रुलते फिरते ने उन्होंने तो कोई ना कोई आसरा मिल जाता कोई ना दस जाता कर जाता पर उ भी अगर सानू हूँ स कुछ पाबंदियां कानून दियाँ लैनिया पैदियां ने वेखना पैंता कोई है कि है जायज़ है या नहीं जायज़ वो गलत है कि या ठीक है वो तो जोड़े उन्होंने तो आना पर जिन्हों का होंदया सुद्या भी हैगा वह भी है कि जिन्होंने जिन्हों को पैसे भी है जिन्हें जोड़े पेंशनर भी है जिन्हों के व्यापार भी चलते सन वह भी लोग आते हैं दोवें तरह के आते हैं लेकिन जोड़े जिन्हों को नहीं कुछ वो कुछ ज़्यादा आते हैं जिन्हों को हैगा वो घर के हालात करके बेचारे दौड़ते हैं साढ़े पंजाब भी एक यहोजा वृद्ध आश्रम हैगा जिथे पेड़ हैगा जिथे पैसे दिते जाते हैं किन्ने पैसे 15,000 या 20,000 उन्होंने मुताबक उन्होंने सुविधावान दी जाने ने उतों इदा पता लगता कि शायद ये जरूरत है ये अज की जरूरत है क्योंकि बच्चे संभालते नहीं पे और एक चीज़ है कि जो तो बच्चे साढ़े को अनइंपलायमेंट हैगी है कि कर देंगे बच्चे साढ़े कोम नहीं हैगा साढ़े को रोटी नहीं हैगी तुम कभी चले जाओ बहर मैं कैनेडा गया सी और मैं टोरंटो एक दिन चेचा इस करके आया मैं देखना चाहता सा कि बच्चे आ रहे हैं उत्थे बच्चे बच्चिया वो जोड़े छोटे छोटे जोड़े आ रहे सन जिन्हें आईलैट्स करके तो वह आ गए ने साढ़े को इतने रोटी नहीं हैगी साढ़िया स्कीम नहीं है मैं प्रार्थना करांगा अपने देश के उन्हें मोहतरम लीडर कि कृपा करो दया करो मेहर करो इन्हों यूथ नूं संभालण दे विच जिथे स्पिरिचुअल लोगों की लोड़ है उत्थे अज पॉलिटिशियन की भी लोड़ है जिहड़े साडे नीति निर्धारक ने उन्होंने भी लोड़ है जिहड़े समाज नूं देश नूं चलाउण वाले उन्होंने भी लोड़ है इन्हां दे वास्ते असी रोजी रोटी का प्रबंध कर सकीए ताकि बाहर ना जाण। वी आर अ मल्टीकल्चरल नेटवर्क कम्युनिटी वी ग्रूम कॉम्पिटेंट ग्लोबल सिटीजंस टू अफेक्ट पॉजिटिव चेंज अराउंड देम।